गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बेटा? वेरी गुड। मेरे बच्चे तो अच्छे रहेंगे क्योंकि ये तो घर पे रहते हैं, ये तो कहीं घूमने जाते नहीं हैं। जाते नहीं है ना? वेरी गुड बेटा, घर पे ही रहिए आप लोग, ठीक है? घर पे रहिए, खेलिए और पढ़ाई भी करिए, ठीक है? पढ़ाई के साथ खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ खेलिए, ठीक है? पढ़ाई भी ज़रूरी है बेटा। आज हम लोग सबसे पहले अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे। देखिए स्क्रीन पे आपके आपकी इंग्लिश की बुक दिख रही होगी, ठीक है? तो आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग साउंड ऑफ वॉवेल ए और वॉवेल ई दोनों पढ़ेंगे, ठीक है? हमने अभी तक तो लिख के पढ़ा था, लेकिन आज जो है आपकी बुक से ही रीडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है? आपकी बुक में तो ए का भी है यूज़ और ई का भी यूज़ है, ठीक है? तो आज हम दोनों चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो चलिए जल्दी से फटाफट अपनी बुक निकालिए इंग्लिश की, और हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम भी साउंड ऑफ वॉवेल ए का पेज खोलते हैं, ठीक है? ये देखिए आप, मेरी तो बुक खुल गई, आप लोग की खुली कि नहीं? जल्दी से खोल लीजिए। देखिए सबसे पहले ये थर्ड चैप्टर है हमारा, साउंड ऑफ वॉवेल ए, ठीक है? पेज नंबर है 15 है ना? खोल लीजिए जल्दी से, अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये बैट बना है। यहाँ पे क्या लिखा है? बी ए टी, बैट। बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला, ठीक है? इसके बाद क्या है? सी ए टी, कैट। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे बेटा तो आपको ढेर सारा पढ़ना आएगा, ठीक है? जल्दी से पढ़ना आ जाएगा, और अगर साथ में नहीं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए पढ़िए, बोलिए सी ए टी, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, वेरी गुड। फिर पढ़िए आर ए टी, रैट। आर ए टी, रैट। रैट मीन्स चूहा, देखिए यहाँ पे चूहा बना हुआ है, देख रहे हैं ना? फिर यहाँ पे देखिए एम ए डी, मैड। मैड मीन्स पागल, आपने देखा होगा ना पागल कौन होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई आदमी है रोड पे चल रहा है, और चलते चलते वो क्या करता है? सबको सबको जो है डांटने लगता है, पत्थर उठा के मारने लगता है, करता है ना, वो क्या होता है? वो पागल होता है, उसी को मैड बोलते हैं, ठीक है? चलिए इसके बाद क्या है देखिए, एक येलो शर्ट में एक बच्चा दिख रहा है ना, देखिए एस ए डी, सैड। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी, बहुत दुखी हो जाता है। जब आपके मार्क्स कभी एग्ज़ाम में अच्छे नहीं आते तो आप सैड हो जाते हो ना, हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बहुत दुखी दुखी रहते हो, मम्मा से बोलते हो आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा, आप लोग बोलते हो ना, वेरी गुड, यही होता है, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? सैड। उसके बाद क्या है? जी एल ए डी, ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुश, बहुत प्रसन्न है। देखिए ये बच्चा, देखिए ये कितना प्रसन्न है, देखिए खिलखिला के हंस रहा है ना, तो ये हो गया ग्लैड। उसके बाद क्या है? बी ए जी, बैग। बैग मीन्स बस्ता, आप लोग के पास बैग तो है, बैग में तो आप लोग कॉपी रखते हो, अपनी कॉपी रखते हो, बुक्स रखते हो, रखते हो ना, वो है आपका बैग। बैग तो आप सबको पता है। फिर क्या है? टी ए जी, टैग। टैग मीन्स क्या होता है? टैग पता है क्या होता है? जैसे आप बैग खरीदने जाते हो तो बैग पे एक स्टिकर लगा होता है, ठीक है? एक स्टिकर, उसको टैग ही बोलते हैं, उसी पे प्राइस लिखा होता है, ये 200 का है, 300 का है, लिखा रहता है ना, तो वो होता है बेटा उसका टैग। देखिए यहाँ पे बैलून है ना, तो बैलून के नीचे 5 रुपीज़ का टैग दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है? इसके बाद क्या है? एम ए टी, मैट। मैट मीन्स चटाई, मैट मीन्स चटाई। हो गया ना ये हमारा साउंड ऑफ वॉवेल ए, हो गया ना? अब हम जो है क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ वॉवेल ई, ठीक है? देखिए आगे हमारा चैप्टर 4, साउंड ऑफ वॉवेल ई, ठीक है? ये हो गया ना हमारा साउंड ऑफ वॉवेल ई। अब इसमें क्या है? जे ई टी, जेट। जेट देखे ना आप लोग, आसमान में उड़ती है, खूब तेजी से आवाज़ करती है ना, ये है जे ई टी, जेट। यहाँ उसमें देखिए आपने वॉवेल ए का यूज़ हुआ था, बीच में बैग, टैग, रैट, कैट, मैट, ये सारे, इन सब में
ए का यूज़ हुआ था, लेकिन इसमें आपको सिर्फ वॉवल ई का यूज़ करना है। ठीक है, देखिए ये कलरफुल है ना, बीच में देखिए ई जो लिखा हुआ है वो रेड कलर में दिख रहा है ना, हाँ ऐसे ही। फिर देखिए जेट हो गया, फिर क्या है पी ई टी, पेट, पेट मीन्स क्या होता है पालतू, पेट मीन्स क्या होता है पालतू। देखिए डॉगी बैठा हुआ है, देखिए वो पालतू है ना, क्योंकि वो तो हमको नहीं काट रहा है, जो पालतू होता है वो काटता नहीं है ना। तो फिर ये हो गया पी ई टी पेट। उसके बाद एन ई टी नेट, यहाँ पे टिक कर दिए, हाँ एन ई टी नेट, नेट मीन्स क्या होता है जाल। ये जो जाल होता है बेटा ना, इससे जैसे हम, जैसे आम का पेड़ होता है हम लोग के घर पे, बहुत ऊपर बहुत बड़ा सा होता है, उस पर हम चढ़ नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते ना, तो ये जाल जो होता है इसको ऐसे लगा के उसमें हम खींच लेते हैं, तो जो हमारा मैंगो होता है, आम होता है, वो उसी जाली में गिर जाता है, और वो नीचे गिर के फूटता नहीं है, नहीं तो नीचे गिरेगा तो फट जाएगा ना, वो तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेट। इसके बाद क्या है पी ई एन, पेन, पेन मीन्स क्या होता है कलम, पेन मीन्स होता है कलम, इसी पेन से तो हम जो है आप लोग की कॉपी चेक करते हैं, करते हैं ना। चलिए इसके बाद क्या है एच ई एन, हैन, हैन मीन्स मुर्गी, मुर्गी क्या करती है हमको क्या देती है एग देती है, एग मीन्स अंडा, मुर्गी हमको एग देती है, उस एग का हम ऑमलेट बना के खाते हैं, खाते हैं ना सब लोग, ये होता है बेटा एग, सॉरी हैन, हैन हमको एग देती है। इसके बाद क्या है डी ई एन, डेन, डेन मीन्स क्या होता है गुफा, जंगल में बेटा जो जानवर होते हैं उनके पास घर तो होता नहीं है, तो वो डेन में ही रहते हैं, वो गुफा होती है, उसी गुफा में वो जो है जब उनको ठंड लगती है, बारिश होती है, तो उसी में वो चले जाते रहते हैं, वो उनका घर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है बी ई डी, बेड, बेड मीन्स क्या होता है बिस्तर, इस पे जब आप रात में खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद बेड पे ही तो सोते हो, जाके सो जाते हो आप लोग, ये हो गया बी ई डी बेड, बेड मीन्स बिस्तर। इसके बाद क्या है बी एल यू ई, ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है नीला, ब्लू मीन्स नीला, कलर तो आपको पता है, आप कलर भी पहचानते हो अच्छे से कि कौन सा क्या चीज़ किस कलर की है ना, जैसे हमारा स्काई है, आसमान जो है वो ब्लू कलर का ही तो है, ब्लू कलर का है ना बेटा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है एल ई ए डी लेट। ठीक है, जो पेंसिल की आपकी यहाँ पे देखिए ये तीर का सिंबल दिख रहा है, एरो दिख रहा है ना, तो ये बेटा जो पेंसिल की जो नोक होती है जिसको आप चबा जाते हो, आप लोग बदमाशी करते हो, सब उसको चबा जाते हो, बोलते हो मैम ये टूट गई, बार बार हमको बुद्धू बनाते हो, बोलते हो कि ये टूट गई, लेकिन वो टूटती नहीं है, आप लोग दांत से उसको चबा जाते हो। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो लेड होता है, पता है उसको नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से दांत खराब हो जाता है, पेट में जाएगा, आपको पेट में जूजू पड़ जाएगा, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे, वो बहुत 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 हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो बेटा आज हमने साउंड ऑफ वॉवेल ए और साउंड ऑफ वॉवेल ई पढ़ा। ठीक है, तो आज इंग्लिश के चैप्टर में बेटा इतना ही, इसके बाद आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।